हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की यहाँ पर कॉलेज को लेकर। तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर के छात्र जो है प्रमोट होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के पहले सेमेस्टर के छात्र जो हैं प्रमोट होंगे और इंटरनल एग्जाम के आधार पर जो है उनका परीक्षा परिणाम यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। और DAV कॉलेज के जो प्रचार हैं उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में यहाँ पर तय किया गया कि पहले सेमेस्टर की परीक्षाएँ नहीं होंगी। और इस परीक्षा को लेकर जो है काफ़ी समय से असमंजस चल रहा था और अभी जो है सभी छात्रों की जो परीक्षा फॉर्म भी है वो जमा भी नहीं हो पाया है और इंटरनल एग्जाम तक जो है नहीं हो पाए हैं। और इसके बाद जो है विश्वविद्यालय इनको जो है प्रमोट कर पाएगा। तो यहाँ पर इनके प्रमोशन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर परीक्षा की अनुमति दें मुख्य शिक्षा अधिकारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए 15 जुलाई को स्क्रीन परीक्षा होगी और परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को इसके लिए जो है प्रिंसिपल के तरफ से जो है अनुमति दी जाएगी। और यहाँ पर शिक्षा निदेशक की ओर से जो है इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल से जो है यहाँ पर आदेश जारी करना पड़ेगा उनको। और वहीं बात करें यहाँ पर विभागीय स्तर पर जो है प्रमोशन के मामले में आई तेज़ी, तो यहाँ पर देखते हैं विभागीय स्तर पर जो है प्रमोशन में तेज़ी लाई गई है और विभागीय स्तर पर जो है होने वाले प्रमोशन के मामले में जो है तेज़ी आई है। और शासन स्तर पर जो है होने वाले DPC के प्रस्ताव जो है बनकर शासन को भेज दिए गए हैं और विभागीय स्तर पर की जाने वाली DPC भी जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियमित शिक्षकों की जो है वरिष्ठता नहीं होगी, प्रभावित पदोन्नत भी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नियमित शिक्षक वो प्रभावित नहीं होंगे और पदोन्नत भी यहाँ पर करे जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों को जो है तदर्थ नियुक्ति की तिथि से नियमित किए जाने से अब तक नियमित शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके प्रमोशन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और शासन की ओर से जो है यहाँ पर नियमित और तदर्थ शिक्षकों के पक्ष को जो है सुने जाने के बाद इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया है। और शासन के इस आदेश से लगभग जो है 7,000 से अधिक नियमित शिक्षकों को जो है वरिष्ठता का लाभ यहाँ पर मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर अटल स्कूल परीक्षा के लिए जो है शिक्षकों को मंजूरी, तो यहाँ पर देखते हैं कि मंजूरी लेनी है पहले, तो उसके बाद जो है यहाँ पर परीक्षा आपको देना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवायोजन कार्यालय भी अब आपको जो है सरकारी नौकरी दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर प्रस्ताव चल रखे हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर जो है इसी वित्तीय वर्ष में जो है यहाँ पर सेवायोजन विभाग एक आउटसोर्स एजेंसी के रूप में जो है कार्य करने लगेगा और सेवायोजन निदेशालय में जो है आउटसोर्स एजेंसी का प्रस्ताव यहाँ पर बनकर शासन को भेज दिया गया है। तो प्रस्ताव भी भेजा गया है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकारी नौकरियाँ भी जो है एक आउटसोर्स एजेंसी जो है यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय बनेगा और उसमें जो है यहाँ पर नौकरियाँ मिल सकेंगी युवाओं को, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों को जो है कार्य मुक्त करने के निर्देश, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है शिक्षकों की तैनाती को स्क्रीन परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों जो आवेदक हैं उनको जो है कार्य मुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उनको जो है कार्य मुक्त करने की बात कर रखा है अभी। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की वरिष्ठता नहीं होगी प्रभावित, तो वरिष्ठता इन पर नहीं होनी प्रभावित। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर होगी और उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहाँ पर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक की जाएगी कैबिनेट में। और इसमें जो है वन विभाग में सेवा नियमावली को लेकर बात करी जाएगी और साथ ही जो है रिक्त पदों के संबंध में बात करी जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में UTU परीक्षा समिति की बैठक में फैसला और अगस्त के पहले सप्ताह में जो है आपकी परीक्षाएं होंगी। बीर माधव सिंह भंडारी राज्य प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU में जो है 10 पाठ्यक्रमों की जो है विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है यहाँ पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में होंगी। तो विषम सेमेस्टर की परीक्षा जो है जुलाई तीसरे सप्ताह में होगी और विश्वविद्यालय की ओर से समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर विषम पाठ्यक्रम के बैक पेपर जो भी होंगे वो भी अगस्त माह के जो है पहले सप्ताह में यहाँ पर कराने की सहमति यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर देखते हैं सरकारी कॉलेजों की सीट भरने पर जोर, जो विश्वविद्यालय की ओर काउंसिलिंग बोर्ड की बैठक में जो है यह भी आयोजित किया गया है कि कॉलेज में जो BTech सीटें हैं उनको भरने पर जोर दिया गया है और उसको जो है यहाँ पर JEE के अलावा यहाँ पर इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में SC ST के जो है बैकलॉग के पदों पर जो है जल्द भर्ती की जाए, तो यहाँ पर देखते हैं कि वन विकास निगम की SC ST एम्प्लॉय एसोसिएशन ने जो है बैकलॉग के पद जो है भरने की यहाँ पर मांग उठा रखी है। साथ ही जो है कहा कि स्थायी या आउटसोर्स से होने वाली
भर्तियों में जो है आरक्षण के नियमों का जो है पालन किया जाए, और एमडी ने जो है सभी मांगों पर जो है कार्रवाई करने का यहाँ पर आश्वासन जारी किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नीट पीजी परीक्षा जो है 11 सितंबर को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यहाँ पर जो नीट पीजी परीक्षा होगी 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें जो है एमबीबीएस कर चुके छात्र जो है पीजी में जो है प्रवेश के लिए जो है परीक्षा देते हैं, तो ये जो है आपकी 11 सितंबर को परीक्षा होगी आपकी। और वहीं बात करें यहाँ पर जो है जल्द पूरी की जाए प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया, तो देख सकते हैं कि प्राथमिक से भर्ती को लेकर बात चल रखी है और इसमें नियुक्ति प्रक्रिया करने की मांग कर रखी है। और कहा गया है कि बीएड परिस्थिति ने अल्मोड़ा भ्रमण में आए शिक्षा मंत्री को जो है यहाँ पर ज्ञापन देकर प्राथमिक स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों पर जो है नियुक्ति की यहाँ पर मांग उठा रखी है। और ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद जो है वर्षवार आधार पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है, ऐसे में जो है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2021 तक जो है यहाँ पर सभी रिक्त पदों को जो है सम्मिलित किया जाए, और ताकि जो है अधिक से अधिक जो है प्रशिक्षित बेरोजगारों को जो है रोजगार मिल सके, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है यहाँ पर नियमानुसार सम्पन्न कराए जाने के लिए जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार न्यायालय में जो है ठोस पैरवी कर जो है निस्तारण करवाए। तो यहाँ पर एक तो पद बढ़ाने की बात चल रखी है, एक तो यहाँ पर जो इनकी पैरवी है वो करने की बात चल रखी है, और रिक्त पदों को लेकर जो है सभी रिक्त पद भरने के लिए कहा गया है। और साथ ही जो है इनका कहना है कि ये है कि जो पीआरटी में अतिथि से भर्ती है उसका विरोध यहाँ पर किया गया है, और उन्होंने कहा कि कई बेरोजगार सरकारी सेवा में जो है नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा के करीब है, और ऐसे में जो है उनकी स्थायी रोजगार की उम्मीद प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे में जो है जल्दी जल्दी भर्ती करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया, और पैरवी करें, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन में जो है यहाँ पर 1865 पदों पर भर्ती होगी, और इसके लिए जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री उनका यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर आयुष्मान चिकित्सा स्टाफ, नर्स टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ है और ANM है, इन पदों को लेकर जो है लगभग जो है 1800 पद से जाते हैं बताए जा रहे हैं। और इसमें जो है कहा गया है कि इन सभी को जो है भर दें, और कल जो है यहाँ पर धन सिंह रावत की विधानसभा में यहाँ पर बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है, और जितने भी खाली पद हैं 1865 उन सभी पदों को भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि 50 दिन में भरे जाएंगे यहाँ पर NHM के 1865 भर, तो 50 दिन में जो है भरने का यहाँ पर वादा किया गया है, और कहा गया है कि 50 दिन के भीतर जो भीतर यहाँ पर आपके नर्स हैं, ANM हैं और यहाँ पर अन्य पोस्ट हैं, तो उन सभी को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि 50 दिन में जो है इतने पोस्ट हैं और इन पोस्ट को जो है भरने के लिए यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं आदेश।